नमस्कार, आप देख रहे यूनिवर्सल न्यूज। हाथरस में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीना के निर्देशन में हुई सट्टा कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए सट्टे के कारोबार में लिप्त सट्टा लगाने वाले लोगों सहित 35 सट्टेरियों को गिरफ्तार कर मुख्य सट्टा कारोबारी मौके से हुआ फरार। पुलिस ने पकड़े गए सट्टेरियों के पास से सट्टे की पर्ची और 65,000 रुपए की नकदी बरामद की। आपको बता दें कि हाथरस जिले के थाना कोतवाली हाथरस गेट के इगलास अड्डे के पत्रवाली के पास हाथरस पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीना के निर्देशन में सट्टेरियों के खिलाफ छापामार कार्रवाई की, जिसमें थाना कोतवाली हाथरस गेट पुलिस को 35 सट्टेरियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 35 सट्टेरियों में सट्टे की खाई बड़ी करने वाली 3 सट्टेरियों के साथ 32 सट्टा लगाने वाले सट्टेरियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मौके से सट्टे का कारोबार करने वाला सट्टा माफिया पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा, जिसे पुलिस ने चिन्हित कर लिया। सटोरियों की गिरफ्तारी के मामले में हाथरस अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीना सिद्धार्थ वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना कोतवाली क्षेत्र के इगलास अड्डा के पास पत्थरवाली के पास छापामार कार्रवाई करते हुए 35 सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सटोरियों के पास से 65,000 की नकदी और भारी मात्रा में सट्टे की पर्चियां बरामद की है। देखिए, ये हाथरस पुलिस का बहुत उल्लेखनीय काम रहा। आज इसमें सूचना प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा वहाँ छापा मारा गया, जिसमें कि टोटल 35 सटोरिये पकड़े गए, जिसमें 3 खाईबाड़ी वाले भी सम्मिलित हैं और लगभग 65,000 रुपये की बरामदगी हुई है इसमें।